अच्छे बिल्डिंग बनाते हैं, शहर की साफ सफाई और ट्रैफिक और गड्ढे सब देख करके हम भी परेशान हैं। हमारी संस्था ने कल डिसाइड किया है कि हम इनका सपोर्ट करेंगे। ये नॉन पॉलिटिकल इशू है, इसके लिए हमको सपोर्ट करना है। और भिवंडी शहर में अभी जो हालात हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, ये हालात आज के आज तो नहीं हो गए। अभी कुछ नारा लग रहा था यहाँ पर कि गली गली में शोर है, म्युनिसिपैलिटी चोर है, तो शायद चोर का वर्ड कम है क्योंकि म्युनिसिपैलिटी नहीं है, ये कॉरपोरेशन हो गई है। अब सब चीज का रैंक बड़ा हो गया है, पहले सीओ हुआ करते थे, अब कमिश्नर हो गए हैं। मेयर को भी लाल बत्ती है, कमिश्नर को भी बत्ती है, उनके ओहदे बढ़ गए, मगर तुमको क्या मिला? ग्राम पंचायत से भी खतरनाक जिंदगी मिल गई। इधर इतने खड्डे हैं कि लोग हंसते हैं, भिवंडी वालों कैसे जिंदा हो। अभी कल हमारी इंजीनियर की मीटिंग थी, उसमें दो इंजीनियर्स को डेंगू और टाइफाइड हुआ है, यानी इंजीनियर डॉक्टर वकील कोई नहीं बचा। जिन लोगों को बिचारों को रास्ते पर उतरना नहीं है वो भी परेशान है, क्या करे? इतने बेहद और बेहिस लोगों के हाथ में सत्ता है या काम कर रहे हैं कि शहर का ध्यान ही नहीं इनको कि क्या करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज की इस मीटिंग का जो इन्होंने एजेंडा रखा है शरद पाटिल ने, मुझको तो यह बोलना चाहिए कि एक PIL दाखिल करके हम लोग ये डिमांड करें कोर्ट से, माननीय कोर्ट से डिमांड करें कि भाई जब ये सब काम काज इनके बगैर चल सकता है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इनको याद रख के फायदा क्या? इतने पैसे म्युनिसिपैलिटी के कॉरपोरेशन के हमारे जा रहे हैं, 15 करोड़ रुपए के ऊपर पैसा हर महीना जा रहा है इनका, सैलरी ले रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है? उसी रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं। लोग हैरान है, शहर के रास्ते लोग हैरान है। अरे 15 किलोमीटर दूर जाओ, थाना को देखो, कल्याण को देखो, जिंदगी क्यों बदल जाती है वहां पर? क्या जन्नत का नमूना बन गया थाना? आप देखते हैं कि नहीं, वहां भी कमिश्नर है, मेयर है, म्युनिसिपैलिटी है, सब कुछ है, उनके पास भी यही फंड है, वही घरपट्टी रहते हैं लोग, वही ऑक्सफाइड, वही LPT मिलता था। देखिए भाई साहब, करप्शन की कोई सीमा नहीं होती है, मगर करप्शन की कोई हाइट देखनी है तो मैं कहूंगा पूरे इंडिया से लोग आकर के भिवंडी देखे, भिवंडी का अंदाजा कर ले। मई महीने में काम शुरू करते हैं रोड डेवलपमेंट का, पैच वर्क करते हैं, 12.5 करोड़ रुपया मई महीने में लगाया है। क्या कोई शहरी ने पूछा कि 12.5 करोड़ रुपए के क्या लगा, कहां बना काम, कौन सा पैच वर्क किया इन्होंने, और वो कौन सी डिस्टरी है? कौन इंजीनियर बोलता है कि पैच वर्क करो और 2 महीने में खराब हो जाएगा? शर्म आनी चाहिए उन इंजीनियरों को जो उस काम को सुपरवाइज करते हैं। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारी जात के लोग इंजीनियर बैठे हैं वहां पर, जो उस काम को देखते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, मटेरियल को फाइनल करते हैं, उस नालायक का बिल भी बनाते हैं, उसको पैसा भी दिलवाते हैं कॉन्ट्रेक्टर को। भाई ये कब तक चलेगा? हम लोगों को कोई जज्बात की बात नहीं करना, मगर ये मेरे अंदर का गुस्सा है जो निकल रहा है कि यार इतनी शानदार बिल्डिंग में बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यह भी किसी इंजीनियर ने बनाया है, आपके सामने रोड भी किसी इंजीनियर ने बनाया है, और वो खड्डों को भी किसी बेशरम इंजीनियर ने बनाया है, जिसने देखा है कि खड्डे बराबर है कि नहीं है, उसको शर्म आनी चाहिए, अपनी डिग्री वापस करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। कैसे बैठ के म्युनिसिपैलिटी की बगाड़ लेते हैं? शर्म आनी चाहिए उनको। और यह हालत हो गई है, एक इंजीनियर हमारी आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ऐसे चंद्रशेखर जी बोल रहा हूं मैं, कि हम लोग को बस हो गया, अल्लाह के रास्ते कुछ करो, भगवान के रास्ते कुछ करो। ये शहर के पर लोग हंसते हैं, लोग भिवंडी आना चाहते तो कहा थे, आपको मालूम है, सुबह 9 के पहले रात को 9 के बाद। क्यों? अरे बोले इतनी ट्रैफिक है, कौन जाएगा उधर? जिधर देखो उधर गाड़ी लगी हुई है, जिधर देखो उधर खड्डे पड़े हुए हैं, जहां देखो वहां लोग खड़े हैं, परेशान है। आप IGL हॉस्पिटल में जाओ, बीमारी की लाइन लगी है, गरीबों की लाइन लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। पैसे कहां जा रहे हैं? कितनी दवाइयों के पैसे आ रहे हैं? और अभी जो पैसे वाले लोग हैं उनकी मैं आपको हालत बताऊं, कई लोगों को निमोनिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, बैठे हैं घरों पे लोग। ये बीमारी दे रहे हम लोग, इसको हम लोग मरता हुआ शहर बना रहे। ये हमारे कमिश्नर साहब हो के, मेयर साहब हो के, पूरे 90 हमारे नगर सेवक हो, उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि भिवंडी क्यों ऐसा हो रहा है। किसी के पास सोल्यूशन नहीं है तो हट जाए वहां से, भिवंडी के लोग अपना काम काज खुद कर लेंगे, राम भरोसे छोड़ा राम सबको चला लेंगे। भाई आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ये इतने लोग जमा हुए हैं, ये तादाद पे मत जाओ, बहुत कम लोग हैं, अभी बारिश की वजह से और लोग आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे चौपड़ा मेंटेन आप लोग सही कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि शरद भाई को बुलाने पे जब भी कभी हमारी एसोसिएशन को आवाज दी जाएगी, हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। और ये हमारा प्रोग्राम भी है कि अगर इनसे साफ सफाई नहीं होती है तो अपने पैसों से लोगों को जमा करके हम साफ सफाई करवाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम है।
देखिए हमको कोई वोट नहीं चाहिए ना नोट चाहिए, हमको ये चाहिए कि हम जिस शहर में रहते हैं ये शहर कम से कम रहने के लायक बन जाए, जो लोग यहाँ पे हैं उनकी जिंदगी सही हो, सेफ हो ये लोग, और बाहर से आने वाले लोग जो कारोबारी लोग बाहर से आते हैं वो हम पर हंसे नहीं कि किस जगह पे आप लोग रहते हो यार, क्या शहर है, इसको शहर बोलते हैं शर्म आती है। अभी देखो 11 बज चुका है, सारी म्यूनसिपलिटी के पास से आने वाली ट्रैफिक जाम है, आप लोग देखिए पूरे शहर में ट्रैफिक जाम है, किसी का कोई पता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई तो क्या करेगा कोई, भगवान नहीं करेगा कभी कोई बात हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, कुछ हो जाए तो हम लोग शहर में क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, आग लग जाए तो हमारे पास फायर ब्रिगेड का इंजन नहीं है बराबर की पहुंचेगा टाइम पर, आपको मैं क्या बताऊं इस शहर की हालत क्या कर रखी इन लोगों ने, और ये स्मार्ट सिटी में आने वाली बात कर रहे थे, अरे स्मार्ट सिटी के लिए तो भूल की बात है, पहले तो हम लोग जिस लेवल पर उसको तो सही करो यार, जिस चीज के हम लोग पैसा लेते हैं टैक्स लेते हैं लोगों से, पानी पट्टी घर पट्टी उसको तो सही करो दोस्तों, बहुत सी बातें मुझे करनी है, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूंगा, मेरे ख्याल से बहुत व्यवस्था है इधर, शरद पाटिल का आवाज दूंगा। थैंक यू जावेद आजमी साहब थे, इन्होंने एक पोजिशन लिया है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करो। दोस्तों अभी जावेद आजमी साहब ने सजेशन दिया है कि इस शहर के साथ